नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसेप्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, मैं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स बांसुरी पर करता रहता हूँ। मेरे ख्याल से ये मैंने आज एक बांसुरी बनाई है, ये वर्ल्ड की सबसे छोटी बांसुरी है। मेरे ख्याल से आज तक इससे छोटी बांसुरी किसी भी फ्लूट मेकर ने, वेल ट्यून बांसुरी, ऐसा नहीं कि डम्मी पीस, डम्मी तो कितना ही छोटा बना लो, बजने में वेल ट्यून होनी चाहिए ऐसी बांसुरी। ये ए स्मॉल जिसकी सा की फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे ए बेस की फ्रीक्वेंसी होती है 440 और ए मिडिल की होती है 880, तो 880 का भी डबल मतलब 1760 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे इसका सा बजेगा। तो आज तक मुझे नहीं लगता किसी फ्लूट मेकर ने इतनी छोटी वेल ट्यून बांसुरी कभी बनाई होगी। ये आप सबके सामने, हालांकि मैं इसको पूरा नहीं बजा पाऊंगा क्योंकि इसकी जो ये जो गैप होता है फिंगर का, ये 2 साल से लेकर और 8-9 साल तक का बच्चा ही इसको प्ले कर पाएगा पूरी बांसुरी को, क्योंकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी, जैसे बच्चे की उंगलियाँ तो पतली पतली होती है, वो इन होल पे कवर हो जाएगी, तो मेरी उंगलियाँ कवर नहीं हो पाएंगी। तो मैं कुछ स्वर आपको, जैसे पा धा नी सा स्वर मैं इसमें बजा के आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ऊपर से मैंने ये 3 होल इसके ये मैंने टेप से कवर कर दिए हैं, सेलो टेप लगा के। अब मेरे पास ये सुर बचे नीचे के 3, पा धा और नी सा, पा धा नी सा। तो इसकी, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ कि देखिए, इसका आप ये गैप देख सकते हैं, बहुत ही कम है। मेरे को ऐसे फिंगर टिप्स भी ऐसे यूज़ करनी पड़ेंगी बिल्कुल सिकोड़ के, तब जाके ये बांसुरी बज पाएगी। कि अगर मैं इस तरह फिंगर लगाता हूँ तो ये सा पे भी मेरी ये आधी फिंगर पहुँच गई है, तो इसलिए इसका ये होल कवर नहीं हो पाता दूसरे हाथ से। इसलिए इसको छोटा बच्चा तो बजा लेगा, जो बिल्कुल बच्चे ने स्टार्ट किया है बिल्कुल अपनी जर्नी 1.5-2 साल की उम्र में बजाना, वो बजा लेगा। 3-4 साल तक का बच्चा बजा लेगा, मेरे ख्याल से 8 साल तक का बच्चा इस बांसुरी को बजा सकता है। ए स्मॉल बांसुरी है ये। इसके अलावा मैं ए स्मॉल, जी शार्प स्मॉल, जी स्मॉल, एफ शार्प स्मॉल, एफ स्मॉल, जो स्मॉल की सारी जो सीरीज है, मतलब स्मॉल बांसुरियाँ होती हैं 9 इंच से छोटी जिनकी तीखी आवाज़ होती है। हालांकि मैंने पहले सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ स्मॉल तक बांसुरी बनाई हुई है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने ए स्मॉल की बांसुरी बनाई है। इसकी आप ये लंबाई देख सकते हैं, ये 15 सेंटीमीटर इसकी ये लंबाई है। और आइए इसको बजा के देख लिया जाए कैसी इसकी आवाज़ है। हालांकि ये कुछ खास ऐसे बजाने में नहीं आती, लेकिन एक एक यादगार, एक हिस्ट्री के रूप में इसको देख सकते हैं कि हाँ, कभी इस तरह की बांसुरी कभी जिंदगी बनी थी। तो आइए सुनते हैं इसकी आवाज़। इस तरह की बांसुरी बनाना और बजाना बेहद कठिन है, हर कोई इसको बजा भी नहीं पाएगा और उसको बना भी नहीं पाएगा। आपका तानपुरा है तो आप मैच कर सकते हैं साउंड को, क्योंकि इसमें फूक का एकदम बैलेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि इसका ब्लोइंग होल काफी छोटा है, इसको बजाने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि ये मैंने कल ही बनाई है। बैठे नहीं, ये गाना देखिए थोड़ा सा निकल के आया है, पल्लू लटके, जो एक जैसे हरियाणवी सॉन्ग है।
क्योंकि इसके गाने के लिए थोड़ा सा और ऊपर सा की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो रे की तरफ, तो ये बज नहीं रहा, वो देख थोड़ा सा निकल के तो आ रहा है। तीन चार साल तक का बच्चा इसको बांसुरी को प्ले कर सकता है, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे छोटी बांसुरी है ये। हालांकि ये बांसुरी कल मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाली थी और ये सेल भी हो गई है, इनको खरीदने वाले हैं मिस्टर, ये है मेरे हाथ में पर्चा। ये बांसुरी कीमत है वैसे 2000 रुपये। आप सोचेंगे कि 2000 रुपये इतनी महंगी बांसुरी, इस बांसुरी को बनाने में मुझे 5 घंटे लगे हैं। बांसुरी छोटी सी है, दिखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके सुर सेट करना इतना आसान काम नहीं है। जी आप देख रहे हैं इसके होल, इसमें हल्का सा भी 1 मिलीमीटर का भी फर्क पड़ गया तो, 1 मिलीमीटर तो बहुत बड़ी बात है, मतलब 1 मिलीमीटर का भी आधा हिस्सा भी फर्क पड़ गया तो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे चल जाती है। बांसुरी बिल्कुल वेल टून है ये। इसको खरीदने वाला है मिस्टर महेश शिवाजी सनप जी। ये आप मुझसे पहले ही बांसुरी काफ़ी परचेज कर चुके हैं सर, और आप रहते हैं डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाणा महाराष्ट्र। उन्होंने कल ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पे इस बांसुरी का एक एडवर्टाइजिंग देखा था और उन्होंने ये परचेज कर ली है, मतलब 2000 रुपये की बांसुरी और 200 रुपये ट्रांसपोर्टिंग पैकिंग खर्चा, तो उन्होंने 2200 रुपये इसका पेमेंट किया है। देख सकते हैं आप, ये वर्ल्ड की सबसे छोटी बांसुरी है, या देख लीजिए एक एक पूरा एक जो ये होती है उंगली से अंगूठे तक की लेंथ, ये 9 इंच होती है लगभग। अब आप देख सकते हैं ये बांसुरी बिल्कुल 9 क्या, ये तो लगभग 5.5 इंच के आसपास मेरे ख्याल से होनी चाहिए। जैसे एक मोबाइल होता है, तो मेरे पास IQ का मोबाइल है, ये बस उसके लंबाई की तरह ही है, उसकी स्क्रीन के बराबर, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी ने इससे पहले इतनी छोटी बांसुरी बनाई होगी। बांसुरी किसी भी साइज़ की हो, ये आज तक की मेरे पास लोवेस्ट साइज़ है, इससे बड़ी कोई भी स्केल की आपको बांसुरी आपको बनवानी है तो आप बनवा सकते हैं। छोटी बांसुरी की कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है मिडिल बांसुरी से। मिडिल बांसुरी तो फिर भी 1000 रुपये की है, ये इसकी कॉस्टिंग 2000 रुपये, जस्ट डबल। क्यों है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करने में समय बहुत लगता है। जितनी देर में मैं ई बेस की बांसुरी 8 बना सकता हूँ, 10 बना सकता हूँ, उतनी देर में ये एक ही बांसुरी बनेगी। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। मैं दीपक सोनी, कंसेप्ट लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।